सो अब हम लोग का निकलने का टाइम हो गया है। A few moments later. So friends, मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि सुबह से उठना हो गया था जाने के लिए, तो मैं नहीं सो पाई थी बिल्कुल भी और मुझे अभी नींद आ रहा था। और बहुत सारे बीच बीच के क्लिप्स जो हैं वो स्किप हो चुके हैं आई गेस, क्योंकि हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं और मैं बहुत देर से सो रही थी। सो प्लीज़ माइंड मत करना। बस हम लोग अब कुछ देर में रायपुर पहुँच जाएंगे। और यार बट मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, आई डोंट नो मेरा फ़ोन कब डेड हो जाए। मतलब मॉर्निंग तक फुल चार्जिंग था बट मैं नेट वेट यूज़ कर रही थी बहुत ज़्यादा यूट्यूब्स वगैरह देख देख के, सो लाइक चार्ज कम है। और बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप बना के एडिट करके उसे पोस्ट कर सकूँ। सो बीच के कुछ कुछ वीडियो स्किप हो सकते हैं तो प्लीज़ उसे माइंड मत करना। और बस फाइनली हम लोग रायपुर पहुँच गए और हम लोग को एक चौक में उतरना है, फिर वहाँ से रायपुर रेलवे स्टेशन जाना है, देन वहाँ से हम लोग की ट्रेन है डायरेक्ट कोरबा तक के लिए। तो उसके बाद बस 6-7 घंटे का रास्ता पड़ता है, देन फिर हम लोग कोरबा पहुँच जाएंगे। हम लोग कहाँ गए यहाँ पे? पचपेड़ी, पचपेड़ी नाका। हाँ हम लोग पचपेड़ी नाका में उतरेंगे, देन फिर वहाँ से रायपुर स्टेशन जाएंगे, वहाँ से हम लोग का 1 बजे ट्रेन है, देन उसके बाद सीधा कोरबा। हम लोग को रायपुर स्टेशन जाना है। स्टेशन जाना है? हाँ आ जाए। प्राइवेट में जाएंगे? प्राइवेट ना, ना, ना। बस रेलवे स्टेशन को लगा, प्राइवेट में दोनों है, चलो सवारी ठीक है। इसमें तो जगह ही नहीं। ब्लू कलर का एक और बैग है, वो रहा वो रहा वो रहा, निकालो ना, निकाल ले, निकालो भैया। हाँ सो हम लोग ने ऑटो ले लिया है, हम लोग जा रहे हैं रायपुर स्टेशन की तरफ। सो मैं रायपुर के बारे में आप लोग को बताती हूँ। रायपुर ना बहुत अच्छी सिटी है, यहाँ पे घूमने के लिए एक से एक जगह है। अगर जो लोग रायपुर सिटी कभी विज़िट नहीं किए हैं सो मैं वो लोग को ज़रूर एडवाइस देना चाहूँगी कि मस्ट विज़िट रायपुर सिटी, यहाँ पर आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और
बट यहाँ जितनी बड़ी सिटी रहती है ना उतना बिजी रहता है। वैसे भी रायपुर बहुत बिजी सिटी है, यहाँ पे आपको दिन रात चहल पहल दिखेगा। और इतने सब सीन्स देख के तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि रायपुर कितना बड़ा सिटी है और यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं। सो मस्ट विज़िट रायपुर। और बस हम लोग थोड़ी देर में स्टेशन पहुँचने वाले हैं। सो बस हम लोग रायपुर सिटी पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग को एंटर करना है। सो फाइनली हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं। सो फ्रेंड्स मैं आप लोग एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो स्टेशन में कितना बड़ा फ़ैन लगा हुआ है। मतलब ये फ़ैन इतना स्लो चल रहा है लेकिन पूरे स्टेशन में हवा दे दे रहा है। मैं इसे काफ़ी टाइम बाद देख रही हूँ, 2 साल बाद आना हो रहा है तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। सो मुझे ट्रेन की टिकट कटवानी है मम्मी और मेरे लिए। 1:30 का एक ट्रेन है सो वही वाला टिकट मुझे कटवाना है। सो मैंने 2 टिकट कटवा लिए हैं और 6 नंबर प्लेटफॉर्म में हम लोग का ट्रेन आने वाला है। लाइक रायपुर टू कोरबा वाला डायरेक्ट ट्रेन रहता है सो वही ट्रेन हम लोग को पकड़ना है। तो रायपुर स्टेशन पहुंच गए हैं और कोरबा के लिए कितने बजे 6 नंबर और 6 नंबर स्टेशन में है ट्रेन। लाइक आई थिंक 1:30 को है तो अभी वहीं जाने के लिए। शोर तू मेरी ओर चल निकला चढ़ प्रेम लोर और दिल के जोर कर मेरी तो हम लोग यहाँ पे कोरबा के एक स्वीट शॉप में रुक गए हैं क्योंकि अब घर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह तो लेके जाना ही पड़ेगा। सो मम्मी ने मिक्सचर मिठाई वगैरह और ब्रेड वगैरह ले लिए हैं, फिर अपन उसे घर में लेके जाएंगे देन फिर खाएंगे। तो फाइनली मैं कोरबा पहुँच गई हूँ और अपने घर भी आ गई हूँ और ये दोनों देख सकते हो ये कैसे शर्मा रही है। इधर शर्माने रही है तो बहुत बदमाशी करती है। इधर ये दोनों मेरी ना बहन है, मेरी कजन बहन है। ये देखो इतने क्यूट क्यूट से बहन लोग। हेलो बोल दो जल्दी से। हेलो हेलो हेलो। और अपना अपना इंट्रो दे दो। हे फ्रेंड्स। हाँ हाँ अच्छे से बोलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ और मेरा नाम है हर्षिता। हाँ आप लोग का नाम? माय नेम इज निशिता। सो ये दोनों मेरे बहन है और अब हम तीनों मस्त मस्त व्लॉगिंग करेंगे, इधर उधर घूमने जाएंगे। ये दोनों भी दिखेंगे मेरे व्लॉग में बहुत, क्योंकि ये बहुत अच्छा डांस करती है ना, ये बहुत अच्छा डांस करती है। इसका मैं डांस आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और एक जगह पे खेल ना। अच्छे से बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ ये बहुत अच्छा मेहंदी बनाती है। इसमें भी टैलेंट है, आप बताओ। इसमें भी बहुत अच्छा टैलेंट है, आप बताओ। मैं क्या अच्छा टैलेंट है बताओ बताओ। मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ बताओ। तो ये
कि चरचूर मत करना। क्या है ये? शर्माना नहीं है, बताओ। मैं मेहंदी अच्छा बना लेती हूँ और पढ़ने में भी अच्छी हूँ और डांस अच्छा करती है, ठीक, थोड़ा बहुत डांस कर लेती है। तो डांस वांस करके तो अच्छे से, ये बहुत अच्छा डांस करती है, ये अच्छे से आपको डांस करके दिखाएगी। ये लास्ट टाइम मैं तेरा कौन सा गाना में देखी थी ना, मैं पानी पानी हो गई, उसमें बढ़िया से तेरे को एक डांस करवाएंगे, ठीक है ना, इसी गाने में, ठीक है।